यहाँ पर मोहतरम हमारे नौजवान साथी शाहनवाज खान के मकान पर जमा हुए हैं। हमारे नौजवान साथी शाहनवाज खान गुज़िश्ता कई सालों से एक बहुत ही मुनफरद नुमाया और अच्छा काम अंजाम देते हैं। वो रमज़ान के मौके पर मुस्तहक और गरीब हमारी ख़ास तौर पर ख़वातीन माओ बहनों में कपड़े तकसीम करते हैं, एक बड़ी मकदार में ये तकसीम करते हैं। आज मुझे उनके साथ मौजूद होकर आपकी मौजूदगी में इन तमाम कपड़ों को देखने का इत्तेफाक़ हुआ। ढिगार जो ढेर था वो काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं आपके माध्यम से तमाम मेरे भाई बहनों को ईद उल फित्र की पुरखलुस मुबारकबाद देता हूँ। मैं शाहनवाज खान को भी इस बात की अगर मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक अच्छा काम गरीबों को मुस्तहिक माँ बहनों के सिलसिले में करते हैं। अल्लाह उनको जजाय खैर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको इसका बेहतरीन जजाय खैर दे, उनके अफराद ख़ानदान को दे, उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, उनके जायज़ ख्वाहिशात को मुकम्मल करे, उनके जो महरूमीन हैं अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे, और तमाम मुसलमानों को खुशी का पैगाम देते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम। ये रमज़ान का आखिरी अर्शा चढ़ रहा है, दो दिन के बाद ईद होने वाली है और हर कोई चाहता है कि हमारी दुआएं करें। आप MIM पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो एक पार्टी के सदर होने के हैसियत से आवाम से दुआ की अपील करेंगे सियासी एतबार से कुछ इस मौके से? दरअसल देखिए, ये वक्त कोई सियासी बात करने का नहीं है, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में बिलखसूस गज़ा के मुकाम पर, फ़लस्तीन के मसले पर तमाम मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। मैं तो गुनाहगार मुसलमान हूं, मगर अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुने, उन फ़लस्तीन के यतीम परेशान हर बच्चों को राहत का सामान फराहम करे, जो गासिब हैं, जो उन पर मजालिम कर रहे हैं उनको कैफ़ किरदार तक पहुँचाए, मज़लूम की मदद हो, फ़लस्तीन आज़ाद हो, एक रियासत बने, और एक किस्म की जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर, जो नबियों की ज़मीन है, जो पैगंबरों की ज़मीन पर, जहाँ पर ज़ुल्म ज़्यादती हो गई है, वो ख़त्म हो, अगर हम सबको नेक तौफीक दे और इस गासिबों को, इन ज़ालिमों को, इन जाबिरों को जो इंसानियत की धज्जियाँ उगा रहे हैं कैफ़ किरदार को पहुँचाए, उनको सबक सिखाए। बैन अवी तनाज़ु में ये बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का तनाज़ु मैं कहना चाहता हूँ कि देश में अमन अमान रहे, तरक्की हो, भाईचारा भरे, वो तमाम ताकतें जो देश की हम आहंगी को, ताने बाने को फ़िरका परस्ती के माध्यम से ख़त्म करना चाहती हैं वो भी नीस्त व नाबूद हो। हमारे हिंदुस्तान में बिलखसूस मुसलमानों के मामले में, अक्लियतों के मामले में, पिछले हुए तबक़ात के बारे में, OBCs के बारे में इंसाफ का माहौल बने, यही दुआएं इस मौके पर करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शाहनवाज क्या कहेंगे इस मामले में? अस्सलाम वालेकुम। बरादरान इस्लाम को आखिरी असरे की दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूं और आने वाले हमारे रमज़ान की ईद उल फितर की एडवांस में आपको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हर साल हमारा छोटे खानी ज़रा छोटा सा प्रोग्राम रहता है कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन का। हर साल हमारे महाराष्ट्र के खायत MIM पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब कई सालों से हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, आज भी इस प्रोग्राम में आए, इसलिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से तमाम हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, सभी को मैं फिर से दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और डॉक्टर साहब का यहाँ आने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं SDM News, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ
और बाकी सब बातें आपने सुन ली हैं, मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। थोड़ा सा एक रिमाइंड ये करना है, देखिए ये पूरा नया कपड़ा है, ये कोई पुराना सुराना लाटका माल नहीं है, फ्रेश आइटम है। मैं जब उसे गुफ्तगू कर रहा था कि साहब यहाँ पर तो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और पूरा ढेर के ढेर पड़ा है, आप कैसे क्या करेंगे इसका आप, उन्होंने कहा था कि अंतर साहब हमारे पास लिस्ट बनी हुई, बोले महल जात सतह पर उनके फ़ोन नंबर भी है, हम खामोशी में लिया के हम हमारे लोग खामोशी में खटका मार के दे देते हैं ताकि उनका विखार पामाल ना हो। ये बहुत बड़ी बात निकल के जा रही है, रिवायत में तो काम होते हैं, सारी बात होती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा अमल अगर हर शख्स कर ले, हर बड़ा शख्स कर ले, तो हम समझते हैं गरीब का नफ्स को ठेस नहीं पहुँचेंगी। ये बहुत ज़रूरी अमल है अगर हम चाहते हैं कि सही इस्लाम के पाबंद हो और हमारी ज़कात, हमारी फितरा, जो भी है इमदाद, बाविकार तरीके से पहुँचे और एक एहसास ना हो गुरबत का, तो हम समझते हैं इससे बड़ा प्यारा अमल हो नहीं सकता। इस अमल को अपनाने की ज़रूरत है, बस यही मेरा एक पैगाम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।